लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू के बीच मतभेद की खबरें सामने आई थी, जिन्हें खारिज करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ऐलान किया कि दोनों दल आगामी विधानसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ेंगे। साथ ही अमित शाह ने उन अटकलों पर भी विराम लगा दिया जिसमें बिहार में नेतृत्व को लेकर खींचतान की बातें कही जा रही थी। अमित शाह ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। अमित शाह का ये बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में बीजेपी और जेडीयू के बीच मतभेद की खबरें आई थी। पटना में आई बाढ़ को लेकर दोनों दलों के कुछ नेताओं की तरफ से बयानबाजी भी की गई थी। वहीं डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के बाद अब अमित शाह के नीतीश के पक्ष में बयान देने से साफ हो गया है कि बिहार में नेतृत्व को लेकर कोई मतभेद नहीं है। हालांकि अमित शाह के इस बयान को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के लिए झटका जरूर माना जा रहा है, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में नीतीश कुमार को घेरने की लगातार कोशिश भी की, जिससे नीतीश कुमार थोड़े असहज भी दिखे। उन्होंने नीतीश कुमार पर पटना की बाढ़ को लेकर भी निशाना साधा था। ऐसा नहीं है कि मतभेद की खबरें पहले नहीं आई थी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी कैबिनेट में जगह को लेकर मतभेद देखे गए थे, जबकि तीन तलाक के मुद्दे पर भी जेडीयू मोदी सरकार के इस बिल के साथ नहीं थी। बीजेपी और जेडीयू के नेता एक दूसरे की इफ्तार पार्टी में भी नहीं दिखाई दिए थे। हालांकि एक इंटरव्यू के दौरान आई अमित शाह ने माना कि दोनों दलों के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद जरूर हैं, जिसे अच्छे गठबंधन का मानदंड माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बस मतभेद को मतभेद में नहीं बदलना चाहिए। अमित शाह से पहले सुशील कुमार मोदी भी गिरिराज सिंह को झटका दिया था और कहा था कि बिहार में बीजेपी जेडीयू के नेता नीतीश कुमार हैं। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।